तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल वीएफसी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल लाना है, कैशबैक कब मिलेगा, बिल जनरेशन डेट क्या है एंड मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है, मैक्सिमम ड्यू अमाउंट कितना है, ये सभी कुछ आज की वीडियो में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको 4 से 5 पॉइंट बताएंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। आपको कोई भी वीडियो और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं एक्सिस बैंक के ऐप में चल सकता हूँ, तो एक्सिस मोबाइल ऐप में। बट वहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डर जो होगा कि वहाँ पर विजुअल नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको फ्लिपकार्ट का जो ऐप है यहाँ से ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे यहाँ पर। तो फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है, आपको नीचे आ जाना है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देन आपको यहाँ पर आपको अपना कार्ड शो हो जाएगा एंड यहाँ पर कैशबैक शो हो जाएगा एंड यहाँ पर नीचे में होगा तो योर बिल बिल डेट भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा एंड ड्यू डेट भी शो हो जाएगा, पे बिल का कब तक करना है, मिनिमम ड्यू कितना है और कैशबैक आपको कब मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका बिलिंग साइकिल क्या है, बिल आपका कब जनरेट होता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर बिल डेट है, यहाँ पर देख सकते हो मेरा 14 अगस्त से 16 सितंबर तक है, मतलब 1 महीने का बिल ये मेरा हो चुका है। मेरा जो भी बिल जनरेट होता है वो महीने के 14 तारीख से लेकर 16, मतलब 15 या 16 तारीख को जनरेट होता है, 16 तारीख को। तो इसी प्रकार से आपका भी रहेगा, 10 11 भी रह सकता है, 20 25 20 21 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि मेरा 16 सितंबर का है, तो 16 सितंबर को हर महीने के 16 तारीख को मेरा जब बिल जनरेट हो जाएगा। तो पहला टाइप क्लियर हो गया बिलिंग साइकिल, आपको यहाँ पर योर बिल, आपका बिलिंग साइकिल यहाँ पर मिल जाएगा, बिल आपका कब जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं बिल ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट आपका जैसे यहाँ पर मेरा 5 अक्टूबर का है, तो यहाँ पर जैसे मैंने 16 सितंबर को बिल स्टेटमेंट आया कि मुझको 5 अक्टूबर तक जितने भी मेरे शॉपिंग के बिल हैं उसको क्लियर करना है, चाहे जैसे भी, नहीं तो बैंक उस पर अदर चार्जेस लगाएंगे जो भी होगा, 30 से 35% प्लस GST, ये सब कुछ जितना भी होगा ये आपको लगेगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा कितने चार्जेस लगते हैं। तो अभी के लिए जो मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ बस यही देखिए आप। पहला तो आपको बिलिंग साइकिल पता चल गया, ड्यू डेट पता चल गया, और इसके मिनिमम ड्यू जो होता है, अब मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है आपका, तो ये देख लेते हैं, 126 रुपये। जैसे मैंने 503 रुपये का यहाँ पर 14 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक शॉपिंग किया है, तो 16 तारीख को जो मेरा बिल जनरेट हुआ है उसमें मेरा 503 रुपये का है और मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है 126 रुपये का है। 126 रुपये अगर मैं पेड कर देता हूँ बाई चांस, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो मैंने 126 रुपये जैसे यहाँ पर पेड कर दिया, तो मुझको 15 अक्टूबर, अभी 16 अक्टूबर को मेरा बिल वापस से जब जनरेट होगा, तो उसके पहले मुझको मतलब 15 तारीख के तक किसी भी हालत में जो है मेरा बचा हुआ अमाउंट है उसको पेड करना है, नहीं तो चार्जेस आपके लगने हैं। तो ये आपका 2 डाउट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एंड तीसरा वाला है कि आपका टोटल ड्यू अमाउंट क्या है, तो 503 रुपये है देख सकते हो, तो टोटल ड्यू अमाउंट यही है जो आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो पे कर सकते हो आप यहाँ से। आपको अगर बिल पेड करने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्रेड ऐप का लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं पर्सनली वही यूज करता हूँ, वही रिकमेंड भी करता हूँ आप लोगों को यूज करने के लिए। तो ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, आप यूज करते हो यूज कर सकते हो, यहाँ पर हायर अमाउंट के आपको कैशबैक मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अभी अभी पेड किया है, तो यहाँ पर मुझको कैशबैक यहाँ पर 3rd अक्टूबर 4th अक्टूबर को देख सकते हो कितना हायर अमाउंट का कैशबैक मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर 400 400 500 रुपये 600 रुपये भी मिलते हैं, तो वो भी देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, 801 रुपये भी, इतना भी कैशबैक आपको मिलता है। अगर आप क्रेड ऐप को किसी को रेफर करते हो तो आपको 1000 रुपये तक का कैशबैक रेफर का भी मिलता है। अब फर्स्ट टाइम के लिए जो बंदा साइन अप करेगा और फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करेगा उनको भी 250 रुपये मिलेगा। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है क्रेड ऐप से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका रेफर लिंक जो है 48 आवर के अंदर जो है एक्सपायर हो जाता है, 48 आवर के ऊपर जैसे हुआ एक्सपायर हो जाएगा तो आपको साइन अप बोनस वहाँ से नहीं मिलेगा। तो आपको 250 रुपये का साइन अप बोनस लेना है तो व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करिए, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये सभी डाउट क्लियर हो गया अभी आपका। एंड अभी बात करते हैं कैशबैक आपको कब रिसीव होता है। तो कैशबैक की बात करें तो कैशबैक जो आपका रिसीव होगा 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे। तो ये आपका जो कैशबैक रिसीव होगा, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर 16 सितंबर को, मैंने 14 से लेकर 16 सितंबर तक जितना भी शॉपिंग किया है, तो इसमें जो भी मैंने शॉपिंग किया तो इसका जो कैशबैक मिलेगा, मान लीजिए मैंने 14 तारीख को या 20 तारीख को मैंने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया, मेरा 500 रुपये कैशबैक बन रहा है। तो मेरा जो 16 अक्टूबर को आएगा, तो 16 अक्टूबर को मेरा जो बिल आएगा उसमें कैशबैक इंक्लूड नहीं होगा। वो मेरा जो आएगा जो नवंबर मंथ का आएगा, सॉरी फ्रेंड्स ये 16 सितंबर का, तो जो अक्टूबर में आएगा बिल मेरा, वहाँ पर ये क्रेडिट कर दिया जाएगा कैशबैक। अभी मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पर सितंबर में बिग बिलियन डेज में आपने काफ़ी कुछ शॉपिंग किया होगा, तो जो आपने सितंबर मंथ में शॉपिंग किया है तो अक्टूबर 16 अक्टूबर को जो आपका बिल जनरेट होगा, बिलिंग साइकिल का आपका स्टेटमेंट जो होगा उसमें कैशबैक माइनस नहीं होगा। जो आपका कैशबैक क्रेडिट होगा वो नवंबर के मंथ में क्रेडिट होगा। जैसे नवंबर के मंथ में मेरा 16 तारीख को यहाँ पर बिलिंग साइकिल है, जो डेट है स्टेटमेंट का, तो 16 तारीख के 1 से 2 दिन पहले मेरा जो है, जैसे कि मान लीजिए 16 नवंबर से पहले 14-15 नवंबर तक मेरा जो कैशबैक मेरे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आपको ये जो कैशबैक है, जो जिस मंथ में आप शॉपिंग करते हो, एक मंथ छोड़ने के बाद दूसरे मंथ में कैशबैक मिलता है। इस प्रकार से आपको कैशबैक से यहाँ पर कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में। तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए। पहला डाउट हो गया आपका फ्रेंड्स की बिलिंग साइकिल क्या है एंड ड्यू अमाउंट क्या है, मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है, मैक्सिमम ड्यू अमाउंट क्या है और कितना आपको पेड करना है, ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया। कैशबैक आपको कब मिलेगा ये भी आपका क्लियर हो गया। जैसे एक फ्रेंड, मैं एक बात और बता दूँ, जैसे मेरा 5 अक्टूबर है तो 3 दिन पहले आपको कोई भी बिल पेमेंट करना है तो 3 दिन पहले, जैसे 5 अक्टूबर का मेरा ड्यू डेट है, तो आप मुझको यहाँ पर 2 अक्टूबर को पेड करना पड़ेगा, तभी क्रेडिट कार्ड में ये अमाउंट ऐड होगा। नहीं तो अगर लेट हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे क्रेडिट कार्ड को। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, तो मैं उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।